खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत राहतगढ़ के सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित वार्षिक उत्सव में शामिल हुए। मंत्री राजपूत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, सरस्वती शिशु मंदिर ऐसा शिक्षण संस्थान है जहां बच्चों को सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक के मंत्र सिखाए जाते हैं, जो बच्चों के जीवन में अनुशासन और संस्कार की नींव डालते हैं। सरस्वती शिशु मंदिर में बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार भी दिए जाते हैं। वार्षिक उत्सव में भी बच्चों के द्वारा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, उनमें भी समाज के लिए संदेश है। ऐसे शिक्षण संस्थान में पढ़ने वाले बच्चे देश में रहें चाहे विदेश में रहें, अपने माता पिता, अपने क्षेत्र तथा स्कूल का नाम रोशन करते हैं। मंत्री राजपूत ने सरस्वती शिशु मंदिर परिवार तथा कार्यक्रम में पधारे बच्चों के अभिभावकों तथा क्षेत्रवासियों को बधाई शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान मंत्री राजपूत ने सरस्वती शिशु मंदिर प्रबंधन की मांग पर 25 लाख के ऑडिटोरियम निर्माण की घोषणा करते हुए कहा कि सरस्वती शिशु मंदिर के लिए मैं हमेशा से ही समर्पित रहा हूं, क्योंकि मेरे बच्चे भी शुरुआती दौर में शिशु मंदिर में ही पढ़े हैं। उन्होंने कहा कि और भी जो भी आवश्यकता सरस्वती शिशु मंदिर के लिए होगी, उसके लिए मैं हमेशा आपके सहयोग के लिए तैयार रहूंगा, क्योंकि सरस्वती शिशु मंदिर परिवार तपस्या करके देश का भविष्य बना रहा है। आज के आनंद की सरस्वती शिशु मंदिर विद्या भारती के सभी गुरुजनों के विशेष प्रयास से आज यहाँ वार्षिक उत्सव कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। बहुत अच्छी प्रस्तुतियां यहाँ चल रही हैं। प्रस्तुतियां वो आगे कुछ कर दिखाने की तमन्ना रखते हैं। हमारे बच्चे भी शिशु मंदिर में पढ़े, पढ़ाई उनकी कम हुई, उसके बाद वो सिंधिया स्कूल चले गए, बेंगलोर विदेश चले गए।